ओके सो आप सबको ये थोड़ा सा कंफ्यूजन लग सकता है। चांसेस है कि ये व्लॉग ट्रैक के व्लॉग से थोड़ा सा पहले आएगा, एंड उसका रीजन है कि एक अडैप्टर रहता है यूएसबी टाइप सी टू नॉर्मल यूएसबी, वो अडैप्टर गलती से पहाड़ों में रह गया, इसीलिए आज बाय द वे मैं और मेरे पापा देहरादून में है। पूरी स्टोरी जानने के लिए आपको उन सारे व्लॉग्स को देखना पड़ेगा। बाय चांस अगर वो अडैप्टर मुझे देहरादून के किसी भी स्टोर में मिलता है तो मैं उस अडाप्टर को खरीदूंगा। प्रॉब्लम यह है कि मेरा जो कैमरा है उस कैमरा से लैपटॉप पे ट्रांसफर करने वाली जो भी सिस्टम रहती है उसके लिए एक छोटे से अडाप्टर की जरूरत रहती है, विदाउट विच मैं फाइल्स ट्रांसफर नहीं कर सकता। इसीलिए कल मैं इस वाले टेबल पे रात को एडिटिंग करने के लिए बैठा था, पर मैंने रियलाइज किया कि मैं फाइल्स ही ट्रांसफर नहीं कर पा रहा हूँ। सो वील गेट दैट डन टूडे। पर यह है हमारी छोटी सी होटल रूम और अभी सुबह के 8:45 हुआ है। कल रात को मस्त 10 घंटे के लिए सोए, ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया है, पापा ने थोड़े से आलू पराठे और मैंने दो ऑमलेट्स, दो एग्स ईच के और थोड़ी सी कॉफी और चाय। और पता है मैं ऑलमोस्ट कितने 7-8 दिनों के बाद अंडे खाया हूँ। क्या है कि गंगोत्री के ऊपर गए मतलब ऑल्टीट्यूड वाइज, और इन जनरल गंगोत्री के एरिया में नॉन वेज और एग्स अलाउड नहीं है, जिनकी वजह से वहाँ पर नॉन स्टॉप आलू पराठे, गोभी पराठे, राजमा चावल, दाल चावल यही चलता रहता था फॉर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। और ट्रैक के ऊपर के पॉइंट पे भी इट वाज जस्ट कार्ब्स, इसीलिए ये जब मैंने अंडे खाए तो वैसे सचमुच दिल खुश हो गया। और इससे मुझे थोड़ी सी ऋषिकेश की याद आई जब हम पिछले साल फेब में गए थे उस बड़े फिटनेस कोलैब के लिए, तब अंडे थे बट देयर वाज नो नॉन वेज, इसीलिए उन 7 दिनों में मैंने चिकन नहीं खाया था। और घर वापस जाने के बाद चिकन खा के बहुत अच्छा लगा था, इसीलिए जस्ट फील्स गुड यू नो। रोज का जो डेली रूटीन वाला फूड रहता है उसे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। ये क्या है? अरे सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, दिल से कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी प्राउड। थैंक यू सो मच। अच्छा लग रहा है? मैं बीमार लग रहा हूँ, चेहरे भी थोड़ा। हाँ वेलकम वेलकम। ह्यूज लग रहा है। नाइस मीटिंग, मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे, हम सब आपके फैन हैं। पर्सनली आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। मुझे भी बहुत ज्यादा बताया इसने, और हम सब आपके फैन हैं, जितने भी सब आपके फैन हैं। मैंने तो यूं ही सोचा था। दिस लुक्स सो गुड, मजा आएगा। ये पूरा बिल्डिंग जिम है। दिस इज कार्डियो। ओके सो ये फर्स्ट फ्लोर है, यहाँ पर कार्डियो और क्रॉसफिटिंग, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। हमने छोटा सा जिम एक्सपेक्ट किया था और हमें 3 फ्लोर का जिम मिला। ये है फ्लोर नंबर 2, ज़ुम्बा एरिया। नाइस नाइस नाइस, है ना ब्रो? पुणे में एक या दो फ्लोर्स मैक्स। फ्लोर नंबर 3। ओ भाई ब्रो, ये तो बहुत ही बड़ा जिम है यार, बहुत तगड़ा जिम है। केबल रो, अच्छा सब कुछ है बेसिकली यहाँ पर। ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे लगा किसी का ऐसे प्राइवेट जिम खुलेगा छोटा सा। आज से शुरू है कि संडे को ऑडियो बन जाएगा। हाँ नाइस। पावर, दो पावर रैक्स, केबल मशीन, इंक्लाइन, डिक्लाइन, फ्लैट, डंबल्स, सिंगा 60s है क्या? देख उठाएगा। और इसके ऊपर वाले फ्लोर पे क्या है? आपको 50 kg डंबल प्रेस देखने मिलेगा। दोनों है? हाँ दोनों है। यस। आज का वर्कआउट एक्सप्लेन प्लीज, क्या करना है? पुश करने वाले हैं, पुश डे। भाई ने बहुत टाइम से ट्रेन नहीं किया है। सबसे पहले वी विल गो ऑल आउट ऑन डंबल प्रेस, फ्लैट और इंक्लाइन। इंक्लाइन, सो इंक्लाइन डंबल प्रेस, फिर फ्लैट मशीन प्रेस कर सकते हैं। साकिब की सबसे फेवरेट चीज फ्लैट मशीन प्रेस, उसके बाद देखेंगे। हम अभी इतने ओवर एक्साइटेड है, ओवर ऐसे जैसे बच्चे को किसी पार्क में छोड़ दिया ना। यस और एम्प्टी जिम है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, सिर्फ हम है, हम और अमन।
जो भी प्री वर्कआउट लाने के लिए नीचे गया है। थैंक यू अमन को, उससे भी इंट्रोड्यूस अमन आजा। मुझे पता था मेरे जरूरत तो पड़ेगी तो ऑलरेडी ये यूजुअली मेरा टॉप सेट रहता था कभी कभी ये वार्म अप से कर रहा है। Feeling good, very good. तुझे पता है ये जो तूने अभी बोला ना एक वीडियो में आर्यन को और यश आनंद को मैंने बोल दिया था क्या? इतनी लोगों ने पसंद किया था। आर्यन और यश आनंद बेंच कर रहे थे होटल में, जिम में। मैं गया तो वो लोग बेंच कर रहे थे, मैंने बोला तुम लोग अपना पीआर मार लो फिर मैं आके उससे वार्म अप कर लूंगा। तो ये है सेकेंड वार्म अप और थोड़ी एक मुश्किल है, ये 35 के बाद मुझे सीधा 50 करना होगा बिकॉज बीच में कोई भी डंबल नहीं है, बट कर लूंगा मैं। कॉन्फिडेंस बहुत तगड़ा है आज। लाइट वेट यार, इजी जाने वाला है आज लगता है। टुडे इज द डे। रेडी? या वन लाइट वेट लुक, लेट्स गो। फोकस, गो वन, गो टू, जाएगा थ्री फोर फाइव, जाने वाला है एट, जाएगा पुश चल, जंप This is what happens when two friends train together. 12. So Saurabh, तूने वो competition की थी। हाँ। उसका overall experience कैसे था? Powerlifting। हाँ। और stage पे जाने से पहले तेरा mindset कैसे था? मतलब first thing I felt for the first time in my life as a legit athlete. Travel करना, सामान pack करना, travel करना. You have a goal, एक medal है दिमाग में, such a different feeling कि तुम एक athlete हो, वहाँ जाते हो, और भी competitors हैं, उनका mindset, वो 15-15 साल से train कर रहे हैं। Right. There was a girl in 74 kgs, she did 140 kgs squat. My God. Respect. So, respect. And mindset. Stage पे मतलब lift करने से पहले तेरे दिमाग में क्या-क्या चीजें चल रही थी? Anything specific? Lift करने से पहले all I was thinking कि I have done so much work. This is the one moment and this cannot go wrong. Wow. I have full control of this moment. I have worked 3 months for this. This is just one lift and I have to lift it up. There is no way I'm going to back down. मैं कुछ भी हो जाए ये छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं कितना भी बुरा फील कर रहा हूँ मुझे करके जाना है because there are so many people looking up to me. इतना comments आया जब जीत गया 2700 कमेंट्स, इतने इंस्टाग्राम पे मैसेजेस। एक बंदा मेरे लिए प्रे कर रहा था एंड ही सेंड मी अ वीडियो कि वो प्रे कर रहा था लिटरली, सो दैट आई विन। सो तुम लोग पता नहीं है, यू गाइस लव अस सो क्रेजीली। हम कभी कभी सोचते हैं कि हम इतना कुछ है नहीं, बट स्टिल यू गाइस लव अस एंड इतने लोग इंस्पिरेशन मानते हैं। बस मैं उस मोमेंट में यही सोच रहा था, आई कांट लेट एनी वन डाउन, देयर इज अ फैमिली बिहाइंड मी, there's so many people who are trusting me, I can't let them down. Beautiful. So khaskar deadlift ke time, I have to do this. So many people look up to me deadlifts mein, I can't let this go. Very nice. My hands will bleed but I can't let this go. This is the one moment I have been training for. Beautiful. So Singha ka flat dumbbell press ho gaya, mujhe abhi bhi wo moment sink in nahi hua puri tarah se. 50 kgs for 12 8 reps ke baad mujhe pata bhi nahi tha ki kya bolu. बिकॉज वन मोर बोलता तो वो काफ़ी स्टूपिड होता, बिकॉज मैं देख रहा था कि उसके बहुत जाने वाले हैं, बट ही डिड इट, वेरी प्राउड ऑफ हिम। अब हम लगाने वाले हैं ये मशीन प्रेस। मैंने डंबल, इंक्लाइन डंबल वो सब नहीं किया बिकॉज आई एम स्टिल थोड़ा बहुत रिकवरिंग, ये करेंगे बट इसमें मज़ा आता है।
ये साकेत का फेवरेट एक्सरसाइज आई थिंक हर वीडियो में होता है ये क्या वेन्स आ रहे हैं Come on. Nice. ये मशीन अच्छी है। हाँ। ऊपर वाले पॉइंट पे ना। हाँ। ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट में मौसम आता है। जब एकदम फिनिश पॉइंट हो रहा था। हाँ। मज़ा आ रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13. So, बिना 10 दिन वर्कआउट किए भी अगर ऐसी फिजिक हो, that's so good. मुझे देखने दे थोड़ा, थोड़ा साइज गिरा है बट लुकिंग डिसेंट. या नाइस. मेरा दिल फट के बाहर आने वाला ऐसा लग रहा है. भाई कैसे हो? मोटिवेशन यार बढ़िया है. कैसे हो? कैसे हो? शॉर्ट ऑफ वर्ड. जिन लोगों को वीडियो में देखना था ऐसा मोटिवेशन आज सामने है भाई. हाँ, नील इनकी भी बात कर रहा था. काफी अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी. मतलब पहले कितने मोटे से थे आप, मतलब इतना एक्साइटेड. नहीं, ना हॉलीडे में भी जाओगे तो मतलब एकदम ट्रैक करके अनबिलीवेबल. नील सुन रहा है? नील सब तेरे बारे में बात कर रहा है. गुड. अरे मेरा जो रूममेट था ना, उसने मेरे को बोला, वो तेरी वीडियोस देखता है, उसने मेरे को बोला ब्रो ये कर सकता है, मेरे को भी करना है. सी Yes. So, such a big thing. Very big. और पुलअप्स करने में पहले कितना स्ट्रगल करते थे, अब तो इजीली मतलब अब करता है 10 क्या 10 पुलअप के लिए इसने वीडियो डाली थी. ओके, सिंस मैं देहरादून में नहीं रहता हूँ, मुझे एड्रेस वो सब नहीं पता है. अमन, ऑल योर्स. नो इशू. बता दो. काफी अच्छा लगा साकेत भाई और सिंगा भाई आए हैं. मैं तो काफ़ी टाइम से जा रहा था वर्कआउट करने, हो तो मैंने ऐसी स्टोरी देखी आपकी कि संडे को आए हो वर्कआउट करने, तो मैंने बोला कि आप आ जाओ वर्कआउट करने. तो काफ़ी अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिविटी मिली है ये. और काफ़ी इंस्पायर होता है आप दोनों से. ये नेचुरल बॉडी बिल्डिंग प्रमोट कर रहे हो तो काफ़ी अच्छा लगा. एड्रेस इन देहरादून बंजारा वाला ट्रांसफॉर्मर जिम रोड साइड दिख जाएगा ऐसे आपको. और एक और ब्रांच है, संडे को भी खुल है, आप स्पीयर्स में भी आ सकते हो, थोड़ी सी 1 किलोमीटर दूरी में. वो किधर है? थोड़ी नीचे है, इसी रोड में. इसी रोड, ठीक है. इस जिम से और थोड़ा आगे जाओ 1 किलोमीटर. बहुत बढ़िया जमा, 10 out of 10. Bye guys. Bye. See you. Good people. Yeah. लोग इतने अच्छे होते. अपन क्या है? अपन कुछ नहीं है ब्रो, सिर्फ अपन वर्कआउट करते, वीडियोस डालते हैं, लोग इतना प्यार करते हैं. दिस इज लाइक अनरियल. ओके, वर्कआउट हो गया. सिंगा, कैसा था हमारा पहला वर्कआउट? 10 out of 10, एज यू से. बहुत मजा आया. क्या लोग थे, कितने प्यारे लोग. बहुत हम्बल लोग है यार, जिम के ओनर्स. अमन, बहुत अच्छा लगा मिलके. अभी हम हमारे टैंक को रिफ्यूल करने आए हैं यहाँ पर कालसंग कैफे, जो अपेरेंटली बहुत फेमस है.
देहरादून का कोई भी उसको पता होगा, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस कैफेज एंड इसके इंटीरियर सिर्फ रेड में है और यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टेट के लोग काम करते हैं, तो बहुत अलग वाइब आती है एंड म्यूजिक वगैरह तो देखना अलग वाइब आएगा, तुझे लगेगा अलग अलग प्लेस में आ गया मैं। ओके लेट्स गो। अच्छा टिबेटियन रेस्टोरेंट है। दैट्स व्हाट। ओके ओह वाओ भाई दिस इज इंटरेस्टिंग। है जगह माय गॉड। ओके नाइस। चिली चिकन ड्राई देन नूडल्स क्या था? चिकन कुछ पैन फ्राइड बहुत ही कन्फ्यूजिंग मेन्यू है। बहुत ऐसे ऐसे नाम है ना जो मैंने नाम कभी मतलब समझ नहीं आ रहा है कि क्या है वो, जैसे चिकन फिंग थंग पोर्क फिंग थंग, तो हमें पता ही नहीं क्या है। क्या रहता है भैया? गेस वर्क फिंग थंग नूडल्स खाली सीट मिली है एकदम कॉर्नर में, लाइटिंग भी अच्छी है यहाँ पर। यहाँ पे लोगों ने मैसेजेस लिख रखे है क्या? 2 अक्टूबर बैक टू बैक सेकेंड डे विथ माई स्ट्रेंथ। She wanted to come today as she is having craving for food. कुछ टेंशन है। ओ बापरे। ओके। वाओ ये कॉन्सेप्ट पहली बार देखा है। सो ये है मैंगो स्मूदी, मैं जब भी यहाँ आता हूँ ये मैं लेता ही हूँ। सो दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट थिंग्स यहाँ पे। टेस्ट टेस्ट। अच्छा Yes. Good choice. Good taste and good. Yes. अच्छा लगा। मोमोज वेज होंगे ना ये? हाँ, पर अच्छे होंगे। बट बहुत अच्छे। इसके नीचे कुछ है? तुझे चिकन मंगाने हैं तो मंगा। नहीं नहीं नहीं, इसके नीचे कुछ रहता है क्या? वो स्टीम होगा। गरम स्टीम होगा। देहरादून के मोमोज। यस। अच्छा स्पेशल रहते हैं? स्पेशल रहते हैं देहरादून के मोमोज। और यहाँ पर थोड़ी सी चटनी बहुत क्या होता है। ब्यूटीफुल। पुणे में मोमोज मिलते हैं इससे अच्छे नहीं। ब्यूटीफुल। इसके अंदर ठीक है हमस मेयो ऐसे कुछ लग रहा है, सॉस है कुछ और बहुत सारा लेटस। हैप्पी चिकन चिली कितनी क्वांटिटी में। थैंक यू भैया। Oh my God. और ये हम दोनों के स्टार्टर आ गया है। ये है चिकन चिली ड्राई और मेरी एक्सपेक्टेशन से क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा है। बहुत ही ज्यादा है। और ये है पनीर चिली फॉर सम प्रोटीन इनटेक ऑब्वियसली। बहुत ज्यादा क्वांटिटी है यार। बहुत ज्यादा क्वांटिटी। और मेन कोर्स अभी तक आया भी नहीं है। yes. तूने कुछ ऑर्डर किया है? मेन कोर्स आई डिड दिस टू। ये इससे पेट भर जाएगा। मैंने नूडल्स मंगाया है। तूने कुछ मंगाया है? मैंने भी एक नूडल्स मंगाया है ना। ओके okay. ये देखो नूडल्स की क्वांटिटी देखो। ये सब मुझे खत्म करना पड़ेगा। मैंने मतलब इसको मैंने इस रेस्टोरेंट में यही देखा है कि कोई भी आप फूड ऑर्डर करते हो ऐसा देंगे कि आप पेट भर के खाना खाओ। और ये मुझे पता भी नहीं मैं खत्म कर पाऊंगा कि नहीं। मैं भी थोड़ा सा पापा के लिए लेके जाता हूँ ऐसे कुछ रात के लिए। एक लास्ट क्वेश्चन सौरभ के लिए, नेशनल्स के लिए तेरे SBD गोल्स क्या है? नेशनल्स में मुझे करना है और मैं करूँगा, मुझे करना नहीं है, मैं करूँगा 275 डेडलिफ्ट, 230 या 235 स्क्वाट्स एंड 165 और 170 बेंच। और इंटरनेशनल के लिए? बिकॉज़ हम सबको पता है कि तू नेशनल में जीतने वाला है। तो मैं इंटरनेशनल एम कर रहा हूँ अराउंड 1-1.5 ईयर बाद, 320 डेडलिफ्ट, 260 स्क्वाट एंड 185-190 बेंच। परफेक्ट। स्टेइंग एट 90 kgs। लेट्स ऑल विश सौरभ
बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। और अगर आप मतलब आप सबको पता ही होगा कौन है, बट अगर नहीं पता तो सारे लिंक्स नीचे होंगे। विश हिम लक। और अब हम मिलेंगे जब इसके 990 के सब्स होंगे। नहीं, उससे पहले ये आएगा गोवा। हाँ, मैं गोवा आ रहा हूँ, मेरा कॉम्पिटिशन है, देखूंगा लाइव। ओके ओके देन चल। अरे यार सो स्वीट, 800 के सो स्वीट यार, वाओ। मोटा करने वाला है मुझे पावर लिफ्टिंग तो। अभी काटो, सो स्वीट यार। कांग्रेचुलेशंस 800 के। अभी नेक्स्ट 1 मिलियन। 1 मिलियन के लिए कौन आएगा? मैं ही आऊंगा केक लेके। इस मोमेंट पे यस होना चाहिए, साथ में पक्का। 800 to 800 k. हाँ। We started talking at 800. 800 yeah, I remember. पावर फिश है ना? हाँ। पूरा पूरा। Good. अभी मैं गोली खा रहा हूँ जाके तो। Thank you, thank you, thank you. वीडियो को खत्म कर ले। बाय ब्रो।